आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, दीपावली से पहले एमपी के कर्मचारियों को सौगात मिलेगी। जी हां, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बैठक करेंगे और महंगाई भत्ता 7% तक बढ़ाने की तैयारी है। आपको बता दें, मोहन सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को आपको बता दें कि 53% डीए मिलता है और एमपी के कर्मचारियों को फिलहाल अभी 46% डीए मिल रहा है। तो 7% बढ़ाकर 7% बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर इस डीए को करने की कोशिश आज हो सकती है। हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, 7% का डीए, बहुत बड़ी बढ़ोतरी है ये, बताइए क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल पवन, आपने सही कहा, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए में हम डिफरेंस देखेंगे तो वो 50% के पार जा चुका है, 53% के करीब डीए मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो राज्य कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार से कई बार मुलाकात कर चुके हैं कि उनका डीए बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार के अंदर की बात की जाए, जो आप कह रहे थे क्या सोर्स कह रहे हैं, तो बीजेपी सरकार के अंदर मंथन ये चल रहा है कि जो डीए बढ़ाया जाएगा वो जनवरी 2024 से दिया जाएगा या फिर अक्टूबर 2024 से किया जाएगा। इसको लेकर इस वक्त सत्ताधारी दल बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारी, और कोशिश यह है सरकार की के 31 अक्टूबर से पहले यानी दीपावली से पहले इसकी सौगात मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दी जाए। और उसी को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनके पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी है, उनसे कल कर्मचारी संगठन मिले भी थे और उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि मैं आज बैठक, यानी कल उनकी तरफ से कहा गया था कि कल मैं इसको लेकर बैठक करूंगा, यानी आज बैठक होने जा रही है। दोपहर बताया जा रहा है 12-1 बजे के आसपास यह बैठक होगी और बैठक के अंदर उम्मीद की जा रही है कि यह फैसला लिया जा सकता है मध्य प्रदेश में डीए बढ़ाने को लेकर। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही कि अभी मंथन यह किया जाएगा कि अक्टूबर 2024 से डीए बढ़ाया जाए या फिर जनवरी 2024 से इसका लाभ दिया जाए, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। लेकिन सब ये चीज तय है कि डीए बढ़ाया जाएगा, लेकिन कितना बढ़ाया जाएगा यह भी देखना होगा, क्योंकि जो चीजें निकलकर सामने आ रही है 4-5% के करीब डीए बढ़ाया जा सकता है। 7% जो आप भी कह रहे थे कि बड़ा गैप है और सरकार इसको बढ़ाने के लग नहीं रहा है, क्योंकि खजाने पर अभी ये कह सकते हैं कि काफी खाली खजाना नजर आ रहा है। लगातार सरकार की तरफ से कर्जा भी लिया जा रहा है, लाडली बहना और तमाम योजनाएं चल रही है, तो लग नहीं रहा है कि 7% डीए बढ़ाया जाएगा, 4-5% के करीब डीए बढ़ाया जा सकता है। पवन, चलिए आप इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर बनाए रखिएगा। शब्बीर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।